भाई तू मारेगा वैसे तू मारेगा। सो गाइस काफी मतलब रात का भी 5 सुबह के होने वाले हैं। इन लोगों के पास टाइम नहीं था, नहीं तो कसम से मैं इन्हें जाने ना देता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्होंने व्लॉग में बोला है वापसी में मुझे मिलेंगे, नहीं तो मैं कुत्ते वाली करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अभी यहाँ से जाने लगे हैं, मुझे उतारेंगे मेरे घर के पास ही। इन्होंने आगे जाना है सियालकोट। गाड़ी बहुत स्मैक्सी सेक्सी किस्म की है, ठीक है। ये मुझे भी ना, मैं थोड़ा हरामी ड्राइवर हूँ इसलिए मैं चला नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इसमें फीचर्स हैं कि जो कि अगर ये दिन को आते हैं तो आपको ऑनेस्टली मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी से भी ज़्यादा जो खुशी है वो फिजान की और भाई की है कि ऑनेस्टली ये मिलने आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं तो बहुत गांडू मेरे संगी है, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत हरामी मेरे संगी है। शादी हो जाती है और बाद में बताते हैं बच्चा होने वाला होता तो कहते हैं यार तू चाचा बनने वाला है, तो मतलब इस तरह के हमारे संगी है। लेकिन चले कोई बात नहीं, अभी रात का टाइम है, ड्राइव कर रहे हैं। आपको जरा ड्राइव इसकी दिखाते हैं, साउंड सुने। ओ भाई, ओ आहिस्ता भाई मारे, ओ भाई भाई तू मारेगा वैसे ही तू मारेगा। ओ भाई खुदा का नाम है फैजी, क्यों मैं या अल्लाह। ओ भाई भाई मैंने सीट बेल्ट भी नहीं पहने, फैजी क्या कर रहा है फैजी, मैंने इसका रिव्यू करना है, ये ना हो हॉस्पिटल वाले मेरा रिव्यू करें। ओ भाई फैजी यार ला, कोई यादें तो रही ना, कुछ यादें रहनी चाहिए। वैसे भी गाइस पिंडी बॉयज जो है ना, ये थोड़े रामी है, इनके बारे में मैं अल्फाजों में आपको नहीं बयान कर सकता, क्योंकि एक दौर मेरा भी ऐसा था कि हमने भी बाइकों पे बहुत बहुत हरामी ड्राइव की हुई है। लेकिन अब आके दिल डर जाता है, पता नहीं क्यों हुआ, पहन तो खुसरे हो गए हम लोग, बड़े हो गए, उससे भी समझ नहीं थी, अभी थोड़ी समझ आ गई है, क्योंकि अभी जरा खौफ आता है इन चीजों से। यार मजा आया, इस अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली, इसने गाड़ी रोकी है, मैं घर जाके 2 नफल अदा करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जिंदगी जीनी है, मैं यूट्यूबर हूँ, आज मेरी साल गिरा है, आज मेरी पता नहीं कोई आखिरी गिरा होने लगी थी। और इस किस्म की हरामी नहीं यार, झूठ, हमारी जिंदगी में ड्राइव नहीं है, हम देखो ना पूरी जिंदगी हमने बाइक पे गुजार दी है, हमारी जिंदगी में ये ड्राइव नहीं है। लेकिन यार थैंक यू सो मच फैजान साहब, आप आए हो। लेकिन ये मैं आपके लिए व्लॉग एंड नहीं कर रहा, ये मोहब्बत, ठीक है, ये मम्मी, ये सर मोहब्बत ही तो है हमारे पास, और है क्या हमारे पास, ठीक है। आपका मैं इंतजार करूंगा, आप मिलोगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है, आप नहीं मिलोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, है। तो बस इसी तरह आते रहो, मिलते रहो। और अभी इनका ये सीन है, ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे 5 बज गए हैं और सियालकोट यहाँ से 2 घंटे दूर है, और इनका कहना ये है कि ये 8 बजे यहाँ पे वापस भेंगे। मेरे ख्याल उन्होंने सियालकोट जाके सिर्फ टच करके वापस आना है, तो लेकिन चले मैं अब इनके लिए फिर मुसलसल उठा रहूँगा, क्योंकि अगर ये वापस आते हैं तो मैं उठा रहूँगा ऑनेस्टली इनके लिए। बाकी अभी यहाँ पे मैं व्लॉग अपना रोक देता हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए जरा लोगों को पता लगे, समझिए। सो आगे व्लॉग में आपसे मिलते हैं, जा रहे हैं गाइज मेरे दोस्त, मेरे दिल को दर्द हो रही है अंदर से, दोस्त जा रहा है मेरा, चलो कोई नहीं, अल्लाह हाफिज। और अगर हमें ड्राइव नहीं करनी, ये बगैरत नहीं सुधरेंगे। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, करते हैं आदत पड़ के करते कहने की। आज का ये सीन हुआ कि आए थे वीडियो शूट करने हमेशा की तरह, कल भी आए थे, कोई ना कोई मसला हो गया था, कह रहे लगे हम बड़े टाइम से आ गए कि चैनल पे टाइम से वीडियो जाए, लेकिन कोई इशू हो गया जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ सकी। आज सेटअप लगाया, सारा कुछ होके किया, ये देखे आप, ये सारा कुछ माइक और ये साथ शुभ भी है, ठीक है, माइक और शुभ साथ है, माइक नहीं लगा तो माइक नहीं रहे, माइक नहीं रहे पता नहीं क्या इशू हो गया मेरे फोन के साथ, ये माइक कनेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये बड़ा माइक है और ये मेरे फोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ऑनेस्टली, और इसके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता था, लेकिन इसके इस मोरे में कोई मसला हो गया ऑनेस्टली, लिटरली इसके ऑनेस्टली यहाँ कोई मसला हुआ है कि वो अंदर डाल भी रहा लेकिन वो चल नहीं रहा, हाँ नहीं चल रहा मोबाइल, तो मतलब आज का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करे, कोई समझ, क्योंकि मेरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, जिसके साथ होता है उसके साथ हो नहीं रहा। सो अभी ये करते हैं कि शुएब और मैं इसको लेके जाते हैं, दुकान भी ले जाते हैं, फिर पता करवाते हैं कि मोबाइल में क्या चीज अंदर जाएगी और ये चलेगा, तो इसको हम यहाँ पे किसी
तलाक पास चले जाते हैं मैकेनिक के पास, किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के पास, तो इस मोबाइल का मसला बाकी आपको वहां जाके मिलते हैं, पूछते मिलते हैं जी क्या एक्चुअली। तो वहां पे जाके आपको दिखाते हैं फोन को क्या मसला है, फिर आते हैं आपको, आते हैं जाते हैं, सपने आते हैं जाते हैं, सपने आते हैं, समझ नहीं आ रही क्या बोलूं। चलिए अब हम आते हैं और जाते हैं। तो गाइस सीन ये हुआ है कि हम लोग ना गिए, हम लोग ना लैपटॉप को लेके गिए, लैपटॉप को लेके गिए, मेरे को क्या हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग फोन को लेके गए हैं दूध दही वाले के पास, तो वो वहां दुकान पे था नहीं, मतलब जिससे हमने फोन को रिपेयर करवाना था ना, मतलब एक होता है ना अपने दिल को पसंदीदा होता है, जिस तरह हम बाल कटवाते हैं तो हमारा एक ही बंदा होता है जिससे हम कटवाते हैं अपना बाल सर के, तो इसी तरह मतलब कि वो भी है, लेकिन वो तलब भाई जो है वो दुकान पे नहीं थे, तो इस वजह से हम लोग जो है वापिस आ गए हैं। और वापिस आने के बाद अब जुगाड़ हम लोगों ने ये लगाया है कि हम लैपटॉप के साथ ना माइक को कनेक्ट कर लेते हैं, शिव के फोन से वीडियो बन जाएगी और लैपटॉप पे जो है वो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और इस तरह फिलहाल के लिए क्योंकि दो दिन से वीडियो नहीं आ रही तो हमारा जो है जुगाड़ है ना जो हमारा वो हमारा लग जाएगा। तो अभी शुएब जो है वो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तू, बोस तेरी बैक ही नहीं होता कैमरा, ओके बोस कौन सा आप कर रहे हो शुएब, जरा बताएं जनता को जनता को क्या डाउनलोड कर रहे हैं आप यार बोस। फिर ऐसे करते ना ऑडियो जो है ना मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं, जिस तरह आप सबको पता ही होगा ऑडेसिटी एक बड़ा ही फ्री और एक बड़ा पेटेंट किस्म का टूल है, आप इजीली जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं, सो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम उसमें, बाकी वीडियोस में बन जाएगी बाद में, इसे सिंक्रोनाइज करके हम अपना जो काम है ना वो कैरी कर सकते हैं। फिलहाल स्लो स्पीड स्लो हो जाएगी लेकिन ये है कि रुकेगा नहीं काम, रुकेगा ठीक है। तो मतलब ये हमारी आज की फॉन्ट है, तो फॉन्ट यार मतलब ये आज का हमारा सीन है। अब ये व्लॉग अच्छा मैंने बाकी ना एक और भी आप लोगों को कुछ चीज़ बतानी थी, वो ये थी कि मुझे मैसेज आया कि बर्थडे पे ना कोई आपका व्लॉग आया ना कोई आपका सीन है यार, वो बहुत कुछ मिस मैच कहते हैं ना कुछ, बहुत कुछ पता नहीं क्या हो गया था मेरे को समझ नहीं आई। सीन ऐसा हुआ है कि बर्थडे के मेन दिन पे मेरा फोन की खराब हो गया था, मेरा फोन मेन बर्थडे वाले दिन बहुत से लोगों के इंस्टाग्राम पर अलग मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन फोन ही खराब हो गया था। पहले उसकी जो चार्जिंग स्ट्रिप है उसका इशू हुआ, उसको जब चेंज करवाया और उसको चेंज करवाने के बाद फोन जो सिग्नल छोड़ गया, और वो जब सिग्नल छोड़ गया तो मैं उम्मीद छोड़ गया क्योंकि फोन जो था वो बिल्कुल ऑनेस्टली फारग हो चुका था, और वो बर्थडे के दिन ही क्योंकि फोन के बगैर तो हम लोगों का गुजारा ही नहीं, क्योंकि हमारा 80-90% काम ही सारा फोन पे होता है, तो फिर उसी फोन के चक्कर में गुजरा वाला गए, मैं शुएब समीर और जुहेब न्यू फोन के लिए वहां गए, न्यू फोन एक लाया लानत आईफोन पे, तो वो आईफोन लेके आए वो भी फारग फोन था, रात को लाया सुबह वो जाके वापिस करवाया। अगले दिन जब नया दूसरा फोन मैं लेके आया उसका ये सीन हुआ कि फोन जब ला के मैंने अकाउंट बनाया तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो था वो मेरा हैक हो गया, फिर दोबारा से इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं होने हुआ। अब ये जो व्लॉग है इसके स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बर्थडे के जो कुछ स्टार्ट के सीन्स थे, ठीक है, दोस्त आए थे रावलपिंडी से, तो बड़ा एक मजे का सोचा था कि बर्थडे का सारा सीन करेंगे ये वो, लेकिन वो सिर्फ उतना सा व्लॉग बना, उसके बाद बढ़ती रही है मेरी पूरे दिन, तो ये मामलात कुछ जिंदगी में चलते रहे। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे इसी तरह के छोटे मोटे व्लॉग आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मम्मी डैडी पढ़े लिखे ताकि मजा आए, कोई बुरी बात ना करें, दिल आजारी ना करें, ना हमारी ना हम आपकी करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, पानी पिए पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करें वो भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।